कैजोल थाना क्षेत्र के ग्राम छरछेद का मामला है। वहाँ पे चार लोगों की निश्चिंत हत्या कर दी गई थी। मृतकों के नाम है चैतराम, जमुना बाई, यशोदा बाई और एक 11 माह का बच्चा है यश। लोग की जादू टोना के शक में हत्या की गई थी और हत्या करने वाले भी उसी गांव के थे। आरोपियों के नाम है रामनाथ, दीपक, दिल कुमार, ललिता बाई और एक नाबालिग बच्ची भी उसमें शामिल है। जादू टोने के शक में गए और एक बार उसके पहले भी लोग धमकी दे चुके थे। उसके बाद जाकर अगले दिन धन नामक हथियार जो औजार होता है जैसे पत्थर तोड़ते हैं उससे मार्ग मिशन हत्या कर दी गई उनकी। वजह अभी बता रहे हैं, जो नाबालिग बच्ची थी उनकी, उसकी तबीयत बार बार खराब रहती थी तो उसको लेके ये लोग शक करते थे कि इन लोग के परिवार द्वारा ही जादू टोना किया जाता है, इसलिए ये लोग शक में इसको जाते मारे इन लोग को और मिशन हत्या कर दी जी। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, सॉरी पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो एक नाबालिग बच्ची। इसमें बहुत सारी धाराएं लगी हैं, इसमें धारा 101, 191, 2, 191-3, 190, 296, 351-3, 115-2, 331-8 BNS के तहत पंजीबद्ध किया गया। ये कहानी अब बच्ची 16 साल की थी तो उसकी तबीयत बार बार खराब हो रही थी, फिर भी ज्यादा ही खराब हो रही थी तो उसको देखते हुए इन लोग को शक हुआ कि ये लोग टोना टोनी करते हैं, उसी के बाद इन लोगों ने ऐसा करने का सोचा। ऐसा कोई खास वजह नहीं है, अभी शक की कोई वजह तो होती नहीं है, शक तो कीड़ा होता है किसी को भी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से बताया कि छरछेद हत्याकांड की मुख्य वजह जादू टोना और आशंका थी कि उन्होंने जो परिवार जिस परिवार की हत्या की गई है वह परिवार जादू टोना करता था, इसी मामले को लेकर के हमारी टीम ने आरोपियों से बातचीत की और जानने चाहे कि क्या वजह थी जो हत्या हुई। तो जो आरोपी हैं वो भी छरछेद के रहने वाले हैं, जो मृतक हैं वो भी छरछेद के रहने वाले हैं और छरछेद में ही यह घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में आने वाले छरछेद गांव में दो दिन पहले चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें एक मासूम बच्चा जो कि 11 माह का था उसको भी बड़ी बेरहमी के साथ मार दी गई थी। तो आइए जानते हैं आरोपियों से हैं कि क्या वजह थी हत्या की। कौन ना पकड़े थे भूत? बड़े अच्छा कैसे बड़े पकड़े भूत? जब सैदान पकड़ा है ना तो पर नाम ले माइक के लिए अच्छा मंगरा भाई मैं ओकर बोलू हाँ एला ले गया कैसे के ना परेशान हूँ। उसमें कई दिन लोकर घर में जाके कहाँ पर हैं ये जानकार इसमें जानकार तोरे चली गए थे ना कई दिन लगे हैं ओकर घर में मंगरा के कल भी 2 बजे के रहे झन ऐसा करके के कल कुछ नहीं है कहीं लवन के रहे तो महामाया में सब झन और वाला नरियर उरियर चढ़ा के दीपक जलाए वाला गए हमारा फिर बा वहाँ से आए हम ओकर बाद मुरारी के जो गाड़ी लेके रहे नहीं बोला तो मतलब वहीं छोड़ दें घर आ गए हम अपना पैसे चढ़ा के अब देखिए जात ला हम मेरे गुटो दोनों रहे कटोले से मैं जात ला दे बोला अच्छा ये जाके करी वो ये करे तो हम कोई नहीं गया हम लोग पर अच्छी नहीं गए। अच्छा कैसे किसने भूत पकड़े बोला किस तरीके से करे वो एकदम तहारा बेह करे ला ले गया माय मोंगरा है मोंगरा भाई है कैमरा भाई छह जमीन के तोर खा था दीपक जलाए रहा ऊपर घरों के दीपक ला ना कई दिन ना देखे देखे कई दिन लगा घर में गए हमें कि ऐसा झन कर दो जी मैं तो पा पर था ये तो लाइक हां मोरे मोर लाइक हां तो रे ऐसा झन कर गई के मैं तंग हो गई। पहला का बैगा बैगा दिखात रहे का करत रहे? हां बैगा दिखात रहे। कहां दिखात रहे? बोला लेकर रहे एक जगह हटा के लेकर रहे मैं लवन ला रहे मैं स्वयं दिखात रहे। तो ये डॉक्टर डॉक्टर और नहीं लेकर रहे का डॉक्टर से का डॉक्टर का नहीं है सर डॉक्टर वाली बात में है ना ये है देखे दिन सर पर निकली गुड़ियाल कही सुनते हैं माता ला बहुत पसंद करते है तब तोर बा प्रकट हो गए कही से और नांग सांप के तो निकली से वही देवता ला अब ओकर बाद वो निकल गए अभी मोबाइल में हवे वो थाने में वो मोबाइल है वो फोटो खींच के रखे है ओकर बाद वो यहाँ तो लिए प्रकट हो गए हमा माता ते हम मैं बढ़िया है करतर तोला छीच छीच दहा तोला धन दौलत दहा तोले एक तारीख के त्या देख लेवे पूरा ज्ञान ऐसे की के तहल उल्टा पुल्टा फिर चाल चाल इधर तहा देखते इसने थोड़े करिए लिखा फिर ऐसा कान पकड़े की तब ये फिर पता चली से तले है। अच्छा ते कौन कौन गिरो तुम्हारा? मैं मेरा गिरो। अच्छा तो काम मन में
अचानक से इतना गुस्सा किसे वही तो जैसे पापा बताइस हर तरीका से मतलब वो बोलो रिक्वेस्ट करिस कि इसे मत करो कि ये मान मनोमन हो जाए कि ये फिर भी वो आदमी नहीं माने और कल जैसे बताइस ना लवन से जैसे माता का पिता ट्रेनिंग से आए हैं तो हम अनुतार गए मैं माता जी बहन और वो मन पापा अच्छा तो घर से काके लेके निकले रहते हैं अकेला के रहे कि तोर घर में हाँ का लेके निकले रहे घर से घन और चाकू घन और चाकू बड़ा वाला थोड़ा रखे ना हाँ घर से लकड़ी चीज हाँ तो सबसे पहले का करूँ परिवार करे सबसे पहले जो छोटे लड़का के जो माता जी है ना हाँ ओला मारे हाँ इधर बात लड़का खत्म कर रहे हाँ उतना माँ वो माँ दूसरे जिसके ऊपर जो बहन अच्छा तो ये बता जिन जिन मेन टोनी रही से ओला छोड़ के पूरा परिवार मारे के का मतलब हुई से नहीं ओला भी मैं देखे घर में वही तो बता था ओला मारे के बाद ना वो राइट साइड की जो रूम रही से मैं हाथ पार दिया जला था और लात में मार के उतार दी मतलब वो कर दिया ला उंडा दी तेरा बाद पूरा घर ला झुंडे पूरा बिलीन हो गई मतलब कुछ नहीं बोली अच्छा अच्छा तो आपने सुना आरोपियों की जुबानी के किस तरह से वह परिवार जिसने हत्या की परेशान था मानसिक रूप से बीमार बच्ची को लेकर के उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी उनको आशंका थी कि जो मृतक परिवार है उसके द्वारा जादू टोना किया जा रहा था तो इस तरीके से आशंका के आधार पर एक पूरा परिवार आज खत्म हो चुका है।